बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अहम राव 786। जो लोग अल्लाह से, अल्लाह और उसके रसूल की फरमा बरदारी करें, अल्लाह से डरें और उसकी नाफरमानी से बचें, तो वही लोग कामयाब हैं। जब किसी को मायूस देखें तो उसके सामने उसकी खूबियां बयान करें, उसे बताएं कि वो एक अच्छा इंसान है। उसके सामने ज़िंदगी के खूबसूरत दिनों और यादों का जिक्र करें ताकि वो फिर से जी उठे। जो लोग कहते हैं कि नेकी का ज़माना नहीं रहा, वो दरअसल इंसानों से नेकी का सिला चाहते हैं। जो अल्लाह अज़्ज़ वजल की रज़ा के लिए नेकी करते हैं, उनके लिए हर ज़माना नेकी का होता है। शैतान को शिकस्त देने का मतलब गलती के इतराफ़ की आदत है। शैतान से शिकस्त खाने का मतलब गलती की तवील की आदत है। जो सिर्फ ज़िंदा रहने के लिए जीते हैं, वो आखिर मर जाते हैं। ख्वाहिश शैतान का हथियार है, जिससे वो इंसान को काबू करता है। सब्र इंसान का हथियार है, जिससे शैतान काबू में आ जाता है। फ़र्द हो या कौम, दोनों के लिए तरक्की का रास्ता एक ही असूल पर मबनी है। ज़िम्मेदारी ज़हमत नहीं होती। इस्लाम दीन फितरत है, वो बुराई को भी गैर फितरी तरीके पे ख़त्म नहीं करता। मज़हब की तारीख़ का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि मज़हब के नाम पे खड़े अक्सर लोग सबसे बढ़कर खुदा से बेखौफ होते हैं। जिस शख्स की खूबियों के इतराफ़ का आप में हौसला नहीं, इस पर तनकीद का कोई हक आपको नहीं मिल सकता।